दोस्तों, आप सबको स्वागत है। और हम आज जो बात करेंगे, जो लेसन बनेगा, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों चाहिए, ऐसा क्या हो गया। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या मौलिक कर्तव्य और क्या बोल सकते हैं आप, ड्यूटी क्या है, ये नहीं था। लेकिन 1976 में ये मान लीजिए 10 या 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। अभी लेकिन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो बात करेंगे धीरे धीरे। पहले हम थोड़ा बेसिक या इसका बैकग्राउंड क्या है जानते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला चीज है, ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिए हैं, यूएसएसआर, जिसको आप जानते हैं रशिया। कहां से हम लोग लाए, रशिया से ये फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लाए, ठीक। दूसरा चीज है, ये कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट आप याद रख लीजिए, पार्ट 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। और दूसरा चीज है, ये कौन से आर्टिकल में है। अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो 51A में ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज सारे है। मैं समझता हूं ये चीज क्लियर है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, देखिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला चीज मैंने बताया, ये सोर्स क्या है आपका, रशिया है, रशिया से हम लोग लाए हैं। दूसरा चीज, कौन सा पार्ट में है, पार्ट 4A में है, ये चीज क्लियर हुआ। और तीसरा चीज है, कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है, क्लियर। अभी बात करते हैं एक कमिटी की बात होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। आपको पहले ये वो कमिटी का नाम जानते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं। वो कमिटी का नाम है शोर्न सिंह कमिटी। क्या है नाम, आप ऐसे बोल सकते हो, सरदार शोर्न सिंह कमिटी। ये जो शोर्न सिंह कमिटी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1976 में इसको मतलब अपॉइंटमेंट दिए थे। और क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये कमिटी ने बोला कि भाई साहब, आप कितने फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड किया था और करना चाहिए, ये बोले कि भाई साहब, आप 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ सकते हैं, रेकमेंड कर दिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा अच्छा बात है, गवर्नमेंट ने क्या किए, 42nd अमेंडमेंट, क्या किए, 42nd अमेंडमेंट लाए। ये कब लाए, वही 1976 में। और 1976 में ये जब 42nd अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना सारा अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर, तो इसको बोलना पड़ा कि भाई साहब, ये जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी बोल सकते हैं ये अमेंडमेंट को, ठीक। कई सारा अमेंडमेंट हुआ, करेक्शन हुआ, रिपील हुआ, कुछ चीजें जोड़ा गया, नया आर्टिकल जोड़ा गया, डिलीट भी पुराना आर्टिकल हुआ, कई सारे चीजें हुआ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो 42nd अमेंडमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने में मदद किया। और पार्ट 4A जो होता है, मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख लेता हूं, पार्ट 4A जो होता है, ये 42nd अमेंडमेंट जोड़ दिया, ठीक। स्वर्ण सिंह कमिटी कितना बोला था फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, 8, लेकिन हुआ असल में कितना, 10 हुआ। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं तो ऐसे काम करें तो 11 आ रहा है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलिए, मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला था, फिर भी मैं बताता हूं। ये 10 तक तो था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 1976 में बना। और मैंने बोल चुका हूं, फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और 1976 में ये जुड़ा गया, ठीक है। तो ये जो 10th, या बोल सकते हैं 10th के बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हुआ, मैं सारे समझाऊंगा आप लोगों को।
ये 86th अमेंडमेंट 2002 को हुआ, जिसमें ये जोड़ा गया कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक, उनको एजुकेशन देना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। हर सिटीजन अपना बेटे बेटी को, चिल्ड्रन को एजुकेशन देना चाहिए, ये चीज जुड़ा गया 86th अमेंडमेंट 2002 में। यहां तक मैं मानता हूं क्लियर है, ये मैं बोल दिया। अभी क्या करेंगे, एक एक चीज को अभी समझना है, चलिए फिर समझते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी क्यों है, मतलब आप बोलेंगे ये फंडामेंटल ड्यूटी क्यों जरूरत है। देखिए ऐसा है, हमारा राइट, हमको क्या चाहिए, हम जो मांग करते हैं उसको राइट्स कहते हैं, डिमांड्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। हर सिटीजन चाहता है कि हमारा राइट्स जो है वो पूरा हो, लेकिन हर सिटीजन राइट के साथ साथ ड्यूटी क्या बनता है देश के लिए, अपना हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए, ये चीज हमको ध्यान देना चाहिए। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमको इसलिए जरूरत है, हमारा क्या कर्तव्य, या आप बोल सकते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, देश के लिए हमारा ड्यूटी क्या होना चाहिए, इसके थ्रू हमको पता चला। और जैसे कि पता है, अगर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो गया, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी दे देते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन मैं मानता हूं कि हम लोग इतने समझदार हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कर सकते हैं, निभा सकते हैं, इसलिए शायद फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है जो लिखे हैं बैठ के दिल्ली में, वो सोचे कि हमारा जो सिटीजन है वो अपने आप देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कोई जरूरत नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने की, समझ में आया। लेकिन ये बात नहीं हुआ, तो इसलिए 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बोले कि ये चीज होना चाहिए, और 42nd अमेंडमेंट में हमारे पार्लियामेंट में ये चीज आ गया। तो चलिए एक एक समझते हैं। पहला चीज है नेशनल फ्लैग, ऐसे में शॉर्टकट में लिखा हूं, इसका मीनिंग में समझाता हूं। हम लोग नेशनल अंथेम, नेशनल फ्लैग, जनगण मन अधिनायक जो नेशनल अंथेम होता है और नेशनल फ्लैग होता है, और जो आइडियल्स होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। और दूसरा चीज क्या बोले, बी में बोले नोबल आइडियल्स और आइडियोलॉजी, जैसे भारत का जो संग्राम हुआ आजादी के लिए, उसमें जो आदमी, जो फ्रीडम फाइटर देश के लिए जान गवाए, कुर्बान किए, उनका जो आदर्श था, जो आइडियल था, उसको हम लोग अपने जीवन में लाना चाहिए, ये चीज महसूस करना चाहिए, ये बात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी के जंग में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने जो क्या कहते हैं प्राण त्याग किए हैं, जान कुर्बान किए देश के लिए, उनका जो चिंताधारा है, जो चिंतन है, उसको हम लोग ध्यान में रखना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात बोला गया। और तीसरा चीज है, यहाँ पे बोला जाता है सोवरेंटी यूनिटी, मैं समझा देता हूं, कुछ नहीं समझने वाला चीज है, सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हर सिटीजन अपना देश के लिए इंटेग्रिटी, यूनिटी, ये कायम रखना चाहिए। सोवरेंटी मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये सिटीजन महसूस करना चाहिए। और आगे जाएंगे नेशनल सर्विस, हमारा एक मोटो होना चाहिए कि हम नेशनल सर्विस रेंडर करना चाहिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, ये चीज यहाँ पे बोला गया। हर सिटीजन अपने जिंदगी के अंदर क्या देश के लिए कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए, क्या हमको देश दिया है, दुनिया दिया है, ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी है और कल चला जाएगा। जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कल हम लोग नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ाई है वो हमेशा रहेगा। चलिए इमोशनल मत होइए, ऐसा तो होना चाहिए, नेशनल सर्विस मैंने बोल दिया। और फिर चलिए हार्मोनी ब्रदरहुड, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी है, आपस में प्यार है, हार्मोनी है, तो ये चीज होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन, हर भारतीय ये महसूस करना चाहिए। और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, जो भाईचारा का बात है, ये चीज बांटते चलना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो कल्चर है, संस्कृत है, ये बहुत बड़ा रिच कल्चर है, कॉम्पोजिट कल्चर है। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और कितने फोक डांसेस हैं, कितने आप म्यूजिक है कि नहीं। तो ये बोला जाता है कि रिच हेरिटेज और हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, मिक्स कल्चर है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको बचाना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप देखें नेशनल दिया है नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, प्लांटेशन हो गया, ट्री हो गया, पेड़ पौधे जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, समंदर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी तो कुछ रखें, ये चीज हमारा ड्यूटी बनता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक, उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर, हर सिटीजन अपना जो साइंटिफिक टेम्पर, जो देश के लिए साइंस की जरूरत है, वो साइंस चाहिए जो देश को आगे ले सके। तो आगे लेने के लिए जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, जो फीलिंग्स होना चाहिए साइंस के लिए, रिसर्च के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कई सारे आदमी देखे होंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना नहीं समझते, और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी, देश का प्रॉपर्टी, देश का प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी, जैसे एक फीलिंग्स होता है कि हमारा देश का प्रॉपर्टी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें आ जाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर, हर फील्ड में हर सिटीजन डेवलप करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, ये चीज ये हमें सिखाता है एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर। ये हो गया 10। और उसके बाद जो एजुकेशन मैंने बोला था, ये 86 अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था, जिसमें एजुकेशन हर चिल्ड्रन को देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज द लाइफ लाइन और लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप एजुकेशन 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया 2002 में। ये हुआ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं जैसे एक चीज और बता दूंगा, फिर उसके बाद एक चीज खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए, और 42nd अमेंडमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया, और 86 हमने 1 जोड़ दिया, तो 11 हो गया। ये तो कमेटी वाला हो गया, लेकिन इसके साथ एक और कमेटी मैं अभी बताऊंगा आपको, जिसका नाम है बर्मा कमेटी। देखो ये बर्मा कमेटी क्यों इंपोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा बस आपको बता दूं। बर्मा कमेटी ने ये बताया कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे लिए, कोई कोई सिटीजन ये मानता नहीं। जैसे हम लोग को दिया गया है कि हम नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करें या नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें, लेकिन कोई कोई नहीं करता है। तो क्या हुआ, ये बर्मा कमेटी ने बोले, रिकमेंड किए कि देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके अंदर कुछ लीगल पार्ट है, क्योंकि इसको नहीं माना गया कोई तो कोर्ट नहीं जा पाएगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, ना कोई नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा, रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो नहीं करेगा तो अलग से कुछ लॉ बनना चाहिए, उनको पनिशमेंट करना चाहिए। तो इसलिए बर्मा कमेटी ने क्या करे, लीगल पार्ट, मतलब लीगल पार्ट जो है इसमें थोड़ा थोड़ा देख नजर आया, वो बोले कि इसमें लीगल पार्ट कुछ है, तो इसलिए नेशनल ऑनर एक्ट जो होता है 1971 में ऑनर एक्ट बना, जिसमें अगर किसी नेशनल फ्लैग या कोई भी जो चीज है नेशनल एंथम इसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। मैं समझता हूँ ये जो बातें मैंने बोला, आपके साथ डिस्कशन किया, ये जरूर आपको समझ में आया। चलिए मैं 2 मिनट और लेता हूँ, फिर पूरे समझ में आ जाएगा। पहला चीज है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हम लोग रशिया से लाए हैं, ये कौन सा पार्ट में है, पार्ट 4A में है। ठीक, और ये कब जुड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट में, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। और कौन सा कमेटी इसको रेकमेंड किए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में, कांग्रेस गवर्नमेंट इसको अपॉइंट किया था। फिर कौन सा कमेटी ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लीगल पार्ट देखे, रेकमेंड किए, वो थे बर्मा कमेटी। और मैंने आपको बता चुका हूं कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट में जुड़ा गया। और एक चीज बड़ा चीज है कि संविधान में, भारतीय संविधान में पहले जब
आप देखोगे 1950 जनवरी 26 को लागू हुआ पूरी तरह से, ऐसे तो लागू हुआ था नवंबर 26 1949 में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे उसमें आपको मिलेगा ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था और 1976 में ये जोड़ा गया। थैंक यू वेरी मच, विश यू हैप्पी लर्निंग।